जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। गढ़चिरौली पुलिस ने नष्ट किए विस्फोटक सामग्री। कांग्रेस अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। फडणवीस, मुंबई दंगा मामले में पहले जारी निर्देशों को लागू करें। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। गढ़चिरौली पुलिस ने नष्ट की विस्फोटक सामग्री। नक्सलियों द्वारा पहाड़ी इलाकों में छुपाकर रखे गए 9 IED और 3 क्लेमोर पाइप सुरक्षा बल के जवानों ने ढूंढकर BDTS टीम की मदद से वहीं पर नष्ट कर दिए। ऑपरेशन ग्रीन हंट के दौरान विशेष अभियान पथक के कमांडो ने सोमवार की सुबह यह कार्रवाई कोरची तहसील के टिप्पागढ़ पहाड़ी इलाके में की। ज्ञात हो कि नक्सलियों द्वारा कोरची तहसील के टिप्पागढ़ पहाड़ी क्षेत्र में कुछ विस्फोटक सामग्री छुपाने और मिट्टी में गाड़ कर रखे जाने की जानकारी सुरक्षा बल को मिली थी। इसे विश्वसनीय जानकारी के चलते पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल के निर्देश पर रविवार को CRPF की टुकड़ी QAT टीम के साथ C60 की टीम को इस क्षेत्र में तैनात करके सतर्कता बरतते हुए तलाशी अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान टिप्पागढ़ पहाड़ी क्षेत्र में एक निश्चित स्थान पर छुपाए गए विस्फोटक और क्लेमोर पाइप पाए गए। इनको इकट्ठा करने के बाद BDTS टीम की मदद से नष्ट कर दिया गया। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। फडणवीस, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले में शीर्ष पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे की मौत पर कांग्रेस नेता विजय वट्टीटीवार के बयान को लेकर सोमवार को कांग्रेस पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगाया। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता वट्टीटीवार ने दावा किया था कि 26/11 के आतंकवाद हमले के दौरान महाराष्ट्र आतंकवाद रोधी दस्ते के प्रमुख रहे। करकरे की मौत आतंकवादी आज मल कसाब की गोली से नहीं बल्कि RSS से जुड़े एक पुलिसकर्मी की गोली से हुई थी। पुणे जिला के थिरूर शहर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए फडणवीस ने राहुल गांधी के कथित समर्थन में एक पाकिस्तानी मंत्री के ट्वीट का जिक्र किया। फडणवीस ने दावा किया, चूंकि राहुल गांधी और शरद पवार के गठबंधन को कम समर्थन मिल रहा है, इसलिए पाकिस्तान से एक ट्वीट किया गया जिसमें मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि भारत का नेतृत्व राहुल गांधी को करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक नेता ने 2 दिन पहले कहा था कि हेमंत करकरे की मौत अजमल कसाब की गोली से नहीं हुई। वट्टीटीवार की टिप्पणियों का हवाला देते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है क्योंकि वे अब पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। आइए बढ़ते अगली खबर। मुंबई दंगा मामले में पहले जारी निर्देशों को लागू करें। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार से 1992 के मुंबई दंगों में लापता हुए लोगों के परिजनों को मुआवजा देने, मामलों का निपटान सुनिश्चित करने और पुलिस सुधार जैसे अपने निर्देशों को लागू करने को कहा। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और उज्जवल भुइया की पीठ ने 4 नवंबर 2022 के अपने फैसले में जारी निर्देशों का पालन न करने पर नाराजगी जताते हुए महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक और राज्य के गृह विभाग के सचिव को न्यायमूर्ति BN श्रीकृष्ण आयोग की सिफारिशों पर गौर करने का निर्देश दिया और इस बारे में एक बेहतर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। पीठ ने कहा, राज्य सरकार 19 जुलाई 2024 तक एक बेहतर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करे। इसने इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 26 जुलाई की तारीख निर्धारित की। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज TV पर। नमस्कार।